नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार डिजिट। पत्नी ने स्वयं के बचाव में ईंटा मारकर पति की हत्या। चरखारी कोतवाली के मोहल्ला तुर्कियान में जुलेखा अपने घर में थी, तभी उनका पति रशीद शराब पीकर आया और पत्नी से गाली गलौज करने लगा। धारदार हथियार से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे पत्नी ने अपने बचाव के लिए पति पर ईंट व पत्थर फेंक कर मारे, जिससे पति के सर पर चोट आई और उसके सर से काफी खून बह गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक रशीद 302 का आरोपी था और लॉकडाउन में पैरोल में जेल से छूटकर घर आया था। तभी से घर के सभी सदस्यों को शराब पीकर काफी परेशान करता था और आए दिन गाली गलौज करके उनको जान से मारने की धमकी देता रहता था। मामले की जानकारी कोतवाली चरखारी पुलिस को लगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसकी पत्नी जुलेखा को गंभीर धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। समाचार डिजिट के लिए महोबा से मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। छोड़ा था, बस छोड़ने आई थी, बस एक महीने तो 15 दिन अच्छा रहा। और जहाँ इसने धान लगाता चक्कू छीलियों पे फिरता था, सब जाना पैसा ले आता था, कमाता था, खाता था, तो दिल लड़ा भिड़ा तो तुम्हारे का ना प्रमा मामू भैया की तबीयत खराब, तमाई बंगू सब चली गई, क्या करें, हमें छोड़ गई अकेला, सारा डार के चली। हम किचन में खाना बनाने के लिए जा रहे, मैंने गैस वैस चूल्हा वूल्हा सब फूट सारा, आप देख लो चलती नहीं तो हैं, और सब हमें मानने के लिए नसैनी पे भाई चढ़ना, नसैनी जीना तो हमारे हैं नहीं, नसैनी पे भाई चढ़ रहा तो हम क्यों झूठ बोले। गमला धरा था हमने, वही मारा फेंक के उसके सर में लड़ा, सोचे भन बना के आया, हमने जी घूमने फेंक के मारे, फिर हमने इधर से जी घूमने मारे। आपने मारा इसको? हमने मारा, मैंने मारा।